जो एनएचआई से जुड़ा हुआ मामला है, हमारा गेस्ट हाउस पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी उसको देखते हैं और उसी से जुड़ा हुआ विषय पर आप लोगों का कई विषय न्यूज चैनल पर चल रहा था। जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने जानकारी प्राप्त किया अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, सेक्रेटरी संजीव जी के साथ सभी पदाधिकारियों की बैठक कर करके हमने जानकारी प्राप्त की कि एनएचआई के गेस्ट हाउस में जो लोग ठहरे थे वो कौन थे, किसके आदेश पर ठहरने का उन्हें अवसर मिला था। जो जानकारी आई है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 4 मई को सुबह 8:49 में प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 4 मई को सुबह 8:49 प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा एनएचआई के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। अब ये दोनों का डिटेल भी मैं दे देता हूं। ये यहां पर एक्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ऑफिस एक्जीक्यूटिव हैं पूरा। ये अब ये फोन जो आया है ये है उनका कॉल का, जो कॉल आया है डिटेल। ये कॉल का डिटेल है और दूसरे दिन का भी डिटेल। दोनों दिन का डिटेल है, ये डिटेल है उनका। पहला दिन आया है 1 मई को 21:07 पर ये कॉल था, मैसेज नहीं था, कॉल किए हैं। दूसरा कॉल ये 4 मई को 3 बार किए हैं। 4 मई को सुबह 8:49 में किए एक बार ना, हाँ उसके बाद फिर किए, हाँ दो बार व्हाट्सएप कॉल है सर, व्हाट्सएप कॉल। अब जो भी कॉल है ये कॉल किए हैं, लेकिन उसमें मंत्री साहब लिखा हुआ है। अभी सुन लीजिए, पूरी विषय को सुन लीजिए।
मंत्री अब ये मैसेज मारा गया यहाँ से, वहाँ के जो कनीय अभियंता अभी SDO हैं प्रभार में हैं, इन दोनों ने लिख करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया, ये प्रीतम कुमार यहीं पर PS थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला और लोग वहां पर रुक रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहाँ पर है, उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आप सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं और गिरफ्तार जेई सिकंदर जादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार जादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे वहाँ। और ये सिंचाई विभाग के, जैसा कि बताया है कि ये सिंचाई विभाग में जेई है जो सोशल मीडिया में आप लोग का चल रहा है, और इनको नगर विकास विभाग में किसने लाया और एक जगह दानापुर से लेके कई जगह का प्रभार किसने दिया, ये पूरे मामले में कैसे उनके घर से लेके बाहर तक एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी के घर से बाहर तक की इनकी पहुंच स्पष्ट है।